अगर एक पाकिस्तान फॉर एग्जांपल जाके कूद पड़ता है, जाके लड़ाई लेता है, तो कल को जब ये वीक हो जाएगा, इन्हें सपोर्ट इसको नहीं देनी, किसी ने भी नहीं देनी, किसी ने भी नहीं देनी, इसका बड़ा फर्क हो जाएगा। पाकिस्तान को जाना चाहिए, किस तरह सपोर्ट नहीं करेगा। अब बताए अफगानिस्तान के पास क्या था, सुपर पावर था अमरीका, जूते छोड़ के भागा वहां से। तो ये पैसों से कुछ नहीं होता भाई, आपके पास एटॉमिक पावर हो, आपके पास F-16 है, दुनिया की नंबर वन आर्मी है, आप सिर्फ इतना कह दो ना कि इसराइल वालों हम आ रहे हैं, तो इसराइल का पेशाब निकल जाए अंदर। और भाई इतनी बड़ी सुपर पावर, इतना बड़ा मुल्क है, तो अमेरिका जैसे मवाली के आगे भी क्यों मांग रहा है इमदाद की, अकेला लड़े। गजा वाले भी अकेले, ये तो गजा वाले भी अकेले लड़ते हैं, इसराइल भी अकेला लड़े, क्यों भीख मांग रहे हैं इंडिया से और अमेरिका से और दूसरे कैनेडा से और क्या उसका नाम है फ्रांस से, क्यों मांग रहे हैं भाई? इतना वो पावरफुल है तो खड़ा हो। आज से पहले जो इसराइल फलस्तीन के ऊपर बमबारी कर रहा था, तब इंसानियत कहां गई थी? तब इनसे कोई पूछने वाला नहीं था इंसान कौन है। लेकिन ये कभी भी नहीं बोलेंगे, आप देखिए 15-20% जो यूएनए को चलाने के लिए यूएसए इन्वेस्ट कर रहा है उसको दे रहा है, जिस तरह की कोई आपके घर को चला रहा है, तो आप उसके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, आपके जबान को उस वक्त तारा लग जाएगा, ठीक है? तो यही दुनिया के अंदर हमेशा मफाद की गेम चलती है, यहाँ कोई ह्यूमन राइट नहीं। ये हमेशा कहते हैं कि फलस्तीन के साथ, हर एक बंदे को पता है, आप 1947 को देख ले कि पॉपुलेशन कितनी की फलस्तीन की, बड़ी बड़ी आज तक ग्रेजुअली उन्होंने किस तरह कब्जा किया, और अभी सारे जानते हैं गजा की पट्टी है और एक वेस्ट बैंक का जो थोड़ा सा एरिया है उधर रह गए। तो ये सारी मफाद की गेम है, आप ये कभी भी ना कहें कि ये जो ह्यूमन राइट्स की जो बात करते हैं या पीस की बात करते हैं, ये सिर्फ मफाद की बात होती है। अभी आपको क्या लगता है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा? इस जंग का अंजाम ये कि मुस्लिम उम्मा जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो फिलहाल खामोश है। आप पाकिस्तान की देख लें, इधर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तान के अंदर है। अब यहाँ रिलीजियस जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ 97% तकरीबन मुसलमान है। तो यहाँ जो मजहबी तौर पे एक आग होती है, जहाँ मुल्ला हजरात है या जो मजहबी तबका होता है ना, उनके जो तलकात है, ये मोहब्बत मस्जिद अक्सर वो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ अगर मसाजिद से पूछा जाए या जो मजहबी लोगों से पूछा जाए, वो तो कहेंगे फौरन जाके हमला कर दे, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान जैसा कंट्री अभी माशी तौर पर अपनी जंग लड़ रहा है, तो ये भी अभी तक कोई ऐसा बयानबाजी नहीं दे रहा। आप तुर्की देख लें, वो भी कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट बाय टेबल टॉक इसको सॉल्व करना चाहिए। इतने ज्यादा आप 57 कंट्री हो आई सही के, किसी ने सीधा साधा ईरान जो है वो इसलिए कह रहा है कि जो हिजबुल्लाह और हमास है, इसकी जो हमारे तो सारी है ईरान की, ईरान ने तो खुल के कहा है कि हम सपोर्टर है इसके, और वो दावत भी दूसरे कंट्रीज को दे रहा है कि आप भी आए, लेकिन दूसरे कंट्री सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये वर्ल्ड वार की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल, अगर 3-4 कंट्री और मुस्लिम कंट्री हमायत कर देती हैं, ऑटोमेटिकली दूसरे कंट्री को भी हमायत करनी पड़ेगी। जब ये सारे मुस्लिम कंट्री करेंगे तो रशिया भी अंदर आएगा। लेकिन कुछ मुवालिक ने हमायत की है, लेकिन सपोर्ट वगैरह कोई नहीं भेजी उनको। जी ये देखिए, मैं अगर ये अगर मुस्लिम एक यकजहती की बात करें, तो मैं ये कहूंगा कि सब कंट्री बयान दे, ठीक है, एक मुस्लिम यकजहती अगले को मालूम हो कि मुस्लिम यकजहती है, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल काम है ना वो ह्यूमन बेसिस ह्यूमन राइट्स के तौर पे तो करें, लेकिन जो आप कहते हैं इन्वेजन वगैरह वो ना करें, ठीक है, क्योंकि पीसफुल अगर आपने रहना है तो आप उनको बातों के साथ टेबल टॉक के जरिए ये रियलाइज करवाएं कि सर इधर वायलेशन ना करें, जिस तरह की इकोनॉमिकली आप उनको वीक करें, जिस तरह के जब भी कोई मुल्ला की जंग करता है अगर उसकी जो इकोनॉमिक्स को वीक कर दे, वो कमर होती है उसकी, रीढ़ की हड्डी होती है। अब जिस तरह पाकिस्तान आप बयानबाजी नहीं दे रहा, क्योंकि यह मुल्क पहले से इधर आए रोज प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आए रोज इधर कोई ना कोई कंप्लेन चल रही होती है, ये मुल्क अंदर से खोखला हुआ पड़ा है, ठीक है। अब ये बयानबाजी ऐसे नहीं करेगा, जब भी जंग लड़ती है उसके लिए उसका पेट्रोल, उसका ईंधन चाहिए, उसके लिए पावर चाहिए, पैसा चाहिए। ये टैंक वगैरह वैसे नहीं जाके चलेंगे, ये जहाज वगैरह अगर चला भी दिए कल को हम वीक हो जाएंगे, दोबारा फिर हमारा यही हाल होगा। और ये हमेशा जितने भी ममालिक है ये अपना इंटरेस्ट देखते हैं, चाहे मुस्लिम कंट्री भी है, सऊदी अरब को देख ले, यूएई को देख ले, इन्होंने पहले अपना घर देखना है। अगर एक पाकिस्तान फॉर एग्जांपल जाके कूद पड़ता है, जाके लड़ाई लेता है, तो कल को जब ये वीक हो जाएगा, इन्होंने सपोर्ट इसको नहीं देनी, किसी ने भी नहीं देनी, किसी ने भी नहीं देनी, इसका बड़ा फर्क हो जाएगा। पाकिस्तान को जाना चाहिए, किस तरह सपोर्ट नहीं करेगा। अब बताए अफगानिस्तान के पास क्या था, सुपर पावर था अमरीका, जूते छोड़ के भागा वहां से। तो ये पैसों से कुछ नहीं होता भाई, आपके पास एटॉमिक पावर हो,
आपके पास F-16 है, दुनिया की नंबर वन आर्मी है, आप सिर्फ इतना कह दो ना कि इसराइल वालों हम आ रहे हैं तो इसराइल का पेशाब निकल जाए अंदर। ये भाई साहब ने बयान दिया है, देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया है कि ईमानी जज्बा होना चाहिए। खाली ईमानी नहीं, आपके पास चीजें हैं, ठीक है, आपके पास फौज है, जहाज है, आर्मी है, और यहाँ तक कि हर पाकिस्तानी जाने को तैयार है। इसराइल तो है ही कोई चीज नहीं है भाई। देखिए इन्होंने कहा कि हर एक पाकिस्तानी जाने के लिए तैयार है। अब देखिए पाकिस्तान के खित्ते के अंदर कितने ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट हुए जिसके अंदर आपको ये चीज रियलाइज हुए। आप देखिए कितनी पॉपुलेटेड एरिया है ये पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, हर एक सिटी के अंदर। आज जुमे मेरी बात सुन ले, आज जुमा था, जुमे के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है तो सारों ने आज जो है प्रोटेस्ट किया। मैं नाम ले लेता हूँ, आप अगर ये चला रहे तरीके, लबैग ने आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया पूरे मुल्क में, उसके अलावा जमात इस्लामी ने किया, और यूनियन जितनी स्टूडेंट की उन्होंने आज जुमे के बाद किया। शहीद सियालवी एक नया इस्लामाबाद का लड़का है, उसकी पार्टी ने आज प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, और इस वक्त हमें जो है फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। उन भाइयों को हमारी जरूरत है, फलस्तीनियों का ये कहना है कि हमारे पूरी दुनिया भी साथ छोड़ जाए ना, हमें आखिरी हद तक इंतजार है कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। अब लोग कह रहे हैं जो पाकिस्तान मीडिया पे आके कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, मुझे ये बताइए, मैं आपको माजी में लेके जाता हूँ, जिस तरह अफगानिस्तान जीता, अमेरिका का जो था ना एजेंसी का बंदा जब वापस गया तो वो न्यूयॉर्क में आके बोलते हैं, उससे इंटरव्यू किया गया, भाई आप अफगानिस्तान से किस तरह हारे, तो उसने बताया फर्स्ट एंड लास्ट पाकिस्तान। जी आपको कभी अफगानिस्तान में पाकिस्तान नजर आया था? जी बिल्कुल नहीं आया कभी नजर, अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज भाग गई। आप पॉइंट जो कर रहे हैं, आप भाई साहब का मानना ये है कि हमें फलस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए, तो मैं बेसिकली यही चीज कह रहा हूँ, मुस्लिम यूनिटी है, हम जो जितने भी मुसलमान कंट्री है हमारा हदूद बाद में आती है, हम ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जी रहे हैं। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए जहाँ सिर्फ एक छोटी सी बात है, लेकिन उनका भी जो हमारा एक पूरा जिस्म है, एक ये जिस्म की मानद है हम पूरे। अब ये जो हम इसराइल की बात कर रहे हैं, फलस्तीन के फलस्तीनियों की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, वो अब जख्मी है तो हमें उसकी परवाह करनी चाहिए। हम उसके साथ खड़े हैं, जो भाई साहब बयान कर रहे हैं फलस्तीन, ये मुसलमान हमारा अपना कंट्री है, हम ये डिवीजन बॉर्डर की नहीं रखते। कि ये जो मुसलमान का मतलब ही है कि हर एक कोने में जिसने कलमा पढ़ा है वो एक कंट्री बन गया है। आज ये उम्मा की बात, आज सबको ह्यूमन राइट्स को हर चीज नजर आनी याद होगी। आज सब कह रहे हैं भाई ये इंसानियत की लड़ाई और इंसानियत पे हो रहा है, वो भी इंसान है, इसराइल वाले भी इंसान है, फलस्तीन वाले भी इंसान है। आज से पहले जो इसराइल फलस्तीन के ऊपर बमबारी कर रहा था तब इंसानियत कहां गई थी? तब इनसे कोई पूछने वाला नहीं था इंसान कौन है भाई। 1300 मेरी बात सुनिएगा, 1300 इस वक्त जो है मुसलमान शहीद हुए हैं और 1300 तकरीबन इसराइली हलाक हुए हैं। मुसलमानों को फर्क भी नहीं पड़ा यार, कोई बने शहीद हुए हमारे शुरू से हो रहे हैं, कोई बने हम शहादत देने के लिए तैयार है। फलस्तीनी अभी 1300 शहीद हलाक हुए हैं और उनका पूरी दुनिया ने रोना शुरू कर दिया यार, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। तो आपको नजर नहीं आ रहा फलस्तीन में इस वक्त क्या हो रहा है? मस्जिद पे बमबारी कर रहे हैं, स्कूलों पे बमबारी कर रहे हैं, वहां पे UN की जो फाउंडेशन है वहां पे बमबारी कर रहे हैं, एम्बुलेंस जो जख्मियों को उठाने के लिए आ रहे हैं उन पे बमबारी कर रहे हैं, और जो जहां भी शेल्टर बने हुए हैं जो जहां पे फासी लोग रह सकते हैं, दूसरी कंट्री के लोग जो वहां पे महफूज रह रहे हैं उन पे आप बमबारी कर रहे हो। और आप कह रहे हैं जी अमन करना चाहिए, मुआहदा करना चाहिए। एक तरफ इसराइल कह रहा है कि हम गजा की पट्टी का नामो निशान नहीं रहने देंगे, अमेरिका ने अपना जो है बेड़ा भेज दिया, ठीक है, मैकडोनल्ड ने जो है 4000 टन खुराक भेज दी है, और हम कहेंगे हम बातों से भी सिर्फ पाकिस्तान साथ में खड़ा हो तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती है। अगर अमेरिका इमदाद भेज रहा है, सारा कुछ भेज रहा है, तो मुसलमान ममालिक को भी चाहिए कि वो स्टैंड हो जाए, जिस तरह अफगानिस्तान में कहा कि अगर हमसाया मुल्क इसराइल के हमें साथ दे तो हम इसराइल का जो है नामो निशान मिटा देंगे। देखिए भाई साहब ने इधर बात की है मुसलमानों के साथ होना चाहिए, बेसिकली हमारी जो पूरी मुस्लिम उम्मा है यहाँ सिर्फ एक इतिहाद इत्तेफाक ही की कमी है। जब हमारा इतिहाद इत्तेफाक हो जाए तो ये छोटा सा जो एरिया है इसराइल का ये तो कोई चीज ही नहीं है। हमारा इतिहाद मत कहें कि कोई चीज नहीं है, इसराइल बहुत बड़ी पावर है, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, छोटी पावर नहीं है वो। किस तरह की टेक्नोलॉजी में आपकी बात का जवाब एरिया कब्जा कर लिया जाता है टेरिटरी, ठीक है, उस वक्त वो जो पावर आपकी बात कर रहे हैं वो फॉरेन पावर तो ले सकते हैं इमदाद, लेकिन जब एरिया आप ग्राउंड पे कब्जा कर लेते हैं ना वो कंट्री दम तोड़ जाता है। जिस तरह के किसी एरिया का कंट्री का कैपिटल को आप कर लेते हैं ना फतह, तो उस वक्त वो पूरे एरिया के अंदर आप जो सिस्टम होता है उसके ऊपर आप कवर कर लेते हैं। सुपर पावर है, आप कह रहे हैं बहुत बड़ी सुपर पावर है, बहुत बड़ा मुल्क है, और भाई इतनी बड़ी सुपर पावर, इतना बड़ा मुल्क है,
तो अमेरिका जैसे मुवाली के आगे भी क्यों मांग रहा है इमदाद की, अकेला लड़े गजा वाले भी, ये तो गजा वाले भी अकेले लड़ते हैं, इसराइल भी अकेला लड़े, क्यों भीख मांग रहे हैं इंडिया से और अमेरिका से और दूसरे कनाडा से और क्या उसका नाम है फ्रांस से, क्यों मांग रहे भाई? इतना वो पावरफुल है तो खड़ा हो, इतना उनका वो जो है मिसाइलों को मारने वाला सिस्टम मजबूत है, तो किस तरह वो मिसाइल है जो इसराइल के अंदर आ गए? मींस दैट अगर इसराइल के अंदर मिसाइल गए तो गजा इस वक्त ज्यादा, गजा वाले जो है वो ज्यादा मजबूत है इस वक्त। लेकिन यहाँ पे ये भी तो होना चाहिए ना, मैं ये भी बता दूं, अभी तो सिर्फ 5,000 हुआ है, सिर्फ 5,000 मिसाइल, 50,000 मिसाइल और है, और उनको खुली धमकी दी अगर तुम जमीनी रास्ते से आओगे तो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। जिस तरह से अब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या दूसरे तीसरे मुल्क ने जो ना वो उनको इमदाद भेजनी शुरू कर दी है, अभी तक किसी इस्लामी मुल्क ने जो है ना वो उनको सपोर्ट नहीं किया, कोई चीज इमदादी चीज नहीं भेजी है, इस बारे में क्या कहेंगे? सर देखे मैं भी भेज रहा हूँ, मैंने पहले कह रहा हूँ कि इमदाद हो रही है, किस तरह उनके पास खाते हो रही है, कैसे उनके पास इतना असला आ रहा है, किस तरह वो कह रहे हैं भाई हम 4-5 माह के लिए लोन जाने के लिए भी तैयार है, कहाँ से आ रहा पैसा? इन ग्राउंड सारा कुछ हो रहा है। और आपको सबसे बड़ी खबर दे दूं, इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, सबसे बड़ा वो कोरिया वाले हैं, ठीक है, शुमाली कोरिया ने ऐलान कर दिया, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम फलस्तीन के साथ है, अगर अमेरिका अपनी फौज भेजता है तो शुमाली कोरिया जो है उसने कहा था अमेरिका का नामो निशान मिटा देंगे, तो ये बात आगे बढ़ने वाली है। आपने जो कब्जा किया हुआ ना इसराइल वालों ने मुसलमान के मुल्क के ऊपर, वो आपको कब्जा छोड़ना होगा, ये अब बैठ के इस तरह मुआहदों से बार बार हर रोज आप 4-5 फलस्तीनी शहीद कर देंगे, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब इसका कोई हल निकलना पड़ेगा, क्योंकि 1973 के बाद सबसे बड़ा हमला 50 साल के बाद अब हुआ है, तो अब कोई ना कोई हल निकलेगा। ये जो भी मामला जो फैसले वाली बात है ना, जब तक हम ताकत नहीं इस्तेमाल करते उस वक्त तक कोई हतमी फैसला निकलता ही नहीं है। आप यूएसए को देख लें, जितने भी कंट्री है ना पावरफुल, वो असला और ये अपने साजो सामान होते हैं इसलिए कि जो फैसला साज को फैसला करने के लिए। आप अगर कहें कि हमेशा टेबल टॉक के जरिए ये हम कोई नतीजा निकाल लेंगे, फलस्तीन हमें मिल जाएगा वापस, तो ये नामुमकिन एक चीज है। इसके लिए हमेशा जंग लड़नी पड़ती है, जंग लड़ के उसके बाद ये टेबल टॉक होती है, तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा।